तो दोस्तों आज मैं ऐसे रेस्टोरेंट में आया हूँ जो कि मतलब लोगों के बीच इतना फेमस तो नहीं है, लेकिन जो यहाँ का फूड होता है ना वो बिल्कुल एक नंबर ऑसम फूड होता है। मैं यहाँ पर भी पहले भी आ चुका हूँ और मैंने बहुत सारे फूड यहाँ पर ट्राई कर रखे हैं। तो चलिए आपको भी ये इंट्रोड्यूस कराता हूँ ये रेस्टोरेंट, और इस रेस्टोरेंट का नाम है सुत्थी मानी जो कि लाल बंगले में है, और इसकी और भी दूसरी ब्रांचें भी हैं। मैं आज लाल बंगले वाले ब्रांच में आया हूँ और मैं यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट फूड आपके सामने रिव्यू करूँगा। तो आज हम लोग जो ऑर्डर करने वाले हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम सोच रहे हैं आज ऑर्डर करेंगे यहाँ पर मसाला डोसा। तो मसाला डोसा यहाँ पर मुझे साउथ इंडियन फूड में मिलना चाहिए, जो कि मुझे यहाँ दिख नहीं रहा मेन्यू में। हाँ, साउथ इंडियन में मुझे दिख गया है मसाला डोसा मैं मंगाने वाला हूँ, जिसका कॉस्ट है 90 रुपीज़। मसाला डोसा का कॉस्ट है 90 रुपीज़। और दूसरा चीज़ जो मैं ऑर्डर करूँगा वो है हमारा वेजिटेबल चाउमीन, जो कि 130 रुपीज़ की है। और तीसरा मेरा एक ऐसा चीज़ जो सीक्रेट है, जो मैं हर खाने के बाद खाता ज़रूर हूँ, वो मैं जब खाऊँगा तब आपको पता चलेगा कि वो क्या है, और वही असली खाने की जान। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने ऑर्डर किया था नूडल्स, और नूडल्स हमारे सामने आ चुकी है, तो चलिए इसको निकालते हैं प्लेट में और आपको रिव्यू करके बताते हैं कि ये नूडल्स कैसी है और कैसा है इसका टेस्ट। सबसे पहले मैं इसको निकालने की कोशिश करूँगा। इसमें मुझे जैसा दिख रहा है वेजिटेबल्स तो काफ़ी सही से पड़ी हुई है, ख़ास करके गाजर और जितनी दूसरी वेजिटेबल्स है वो मुझे अच्छे अमाउंट में दिख रही है। मैं थोड़ा ही सा लूँगा, पहले मैं ट्राई करता हूँ फिर मैं बताता हूँ आपको कि कैसा है इसका टेस्ट। टेस्ट तो काफ़ी अच्छा है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, मैं पहले भी यहाँ पे नूडल्स ट्राई कर चुका हूँ, इसीलिए मैं आज आया था क्योंकि नूडल्स का टेस्ट काफ़ी अच्छा रहता है। वैसे देखा जाए तो ये लोग सॉस भी प्रोवाइड करते हैं, अगर आप चाहें तो सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सॉस का यूज़ नहीं कर। तो अभी मैं इसमें और निकालने वाला हूँ ढेर सारा। आज मैं पूरा खा के ख़त्म कर दूंगा, मुझे इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, तो मैं इसमें और सारा ट्राई करूँगा। देख रहे हैं ये गाजर जो इसमें आ रही है, ये मतलब जो काटी गई बहुत सही से काटी गई है, और कैप्सिकम वगैरह तो थोड़े कम दिख रहे हैं, लेकिन गाजर वगैरह सही दिख रही है। चलिए मैं आपको खाता हूँ और दिखाता हूँ खाके। काफ़ी टेस्टी है, वैसे काफ़ी अच्छा टेस्ट मुझे आ रहा है। चलिए मैं खा के ख़त्म करता हूँ, फिर मैं कोई दूसरी चीज़ ऑर्डर करूँगा, फिर उसको भी दिखाता हूँ आपको। फिलहाल मैं फोकस करता हूँ अपने खाने पर। तो दोस्तों हमारे सामने जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा डोसा आ चुका है, जो कि बहुत ही देखने में क्रंची सा लग रहा है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, मैंने जैसे ही मारा यहाँ पर छेद हो गया, ये इतना क्रंची सा है। अंदर क्या मुझे दिख रहा है अंदर, चलिए मैं चाहूँगा कि कैमरामैन यहाँ पर दिखाए ला के कि अंदर क्या दिख रहा है। बहुत ही कम से आलू दिख रहे हैं मुझे, मतलब इतने कोई खास आलू नहीं पड़े, लेकिन हाँ ये है कि काफ़ी हरी हरी सी मटर दिख रही है। चलिए फिर चालू करते हैं, अभी खाते हैं फिर बताते हैं आपको कि क्या है।
करना पड़ेगा, तो मतलब आपने सही से डोसा नहीं खाया है। तो डोसा खाने के लिए सबसे पहले क्या हम अपने हाथों का यूज़ करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। चटनी में डुबोते हैं, बहुत ही सही टेस्ट लग रहा है, बहुत ही क्रंची का डोसा है। अगर यहाँ चटनी की बात करें, जैसा कि देख पा रहे हैं चटनी जो है वो गरी की है, चटनी का टेस्ट भी बहुत तगड़ा है। साथ में दूसरी वाली चटनी जो मुझे लग रही है कि टेस्ट करके मैं पता करता हूँ किस चीज़ की है, मुझे ऐसा फील हो रहा है या तो ये कच्चे आम की चटनी है या तो फिर इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ ऐसी चीज़ का यूज़ करेगा जिससे इसमें थोड़ा खट्टा बना रहा है, लेकिन डोसा बहुत ही क्रंची है। बहुत सॉलिड टेस्ट है इसका। बस मैं इसमें कमी अगर बताऊँ तो मुझे कमी ये लग रही है कि इसमें इतना क्वांटिटी में आलू नहीं पड़ा हुआ जितना क्वांटिटी में मुझे चाहिए था। मसाले डोसे का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर आलू ढेर सारा होना चाहिए, नहीं तो मैं प्लेन डोसा भी ऑर्डर कर सकता था। फिर भी टेस्ट वाइज ये बहुत सही है। चलिए हम लोग सांभर भी टेस्ट करते हैं और सांभर टेस्ट करके बताते हैं कि सांभर का क्या टेस्ट है। सांभर दिख रहा, बहुत सारी सब्जियां डली हुई हैं सांभर में, उसको टेस्ट करते हैं। सांभर में एक बहुत अच्छा सा खट्टापन है जो कि इसको एक यूनिक टेस्ट दे रहा है, काफ़ी तगड़ा टेस्ट आ रहा है। सांभर बढ़िया है। अगर इन सारी चीज़ों में बात करें, सबसे बेस्ट जो मुझे लगा वो सांभर ही लगा है, हालांकि मैंने सबसे लास्ट में इसको ट्राई किया है। तो चलिए पूरा फोकस मैं करता हूँ अपने खाने पर, जल्द से जल्द इसको ख़त्म करता हूँ और फिर उसके बाद हम कुछ नया ऑर्डर करेंगे। अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उस चीज़ का कि जिसके बिना मेरा खाना जो रहता है वो पूरे तरीके से अधूरा रहता है। जब तक मैं वो चीज़ ना खा लूँ तो मुझे मज़ा ही नहीं आती है। कब आएगा भाई, कब आएगा? चलिए देखते हैं आता है कि नहीं आता है। अब आ गई है मेरे लिए वो चीज़ जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। खाने के बाद मैं उसको ना खाऊं तो मेरा खाना पस्ता ही नहीं है, और वो है मेरा गुलाब जामुन। देखिए मुझे देख के ही बिल्कुल मुंह में पानी आ जाता है, गरम गरम से हैं बिल्कुल। मैं यहाँ पे इसकी एक बाइट लूँगा, देखिए मैं खा के दिखाता हूँ आपको। मतलब मज़ा सा आ गया बिल्कुल, इसके बिना तो खाना अधूरा ही था, समझ लीजिए ये नहीं खाया तो कुछ भी नहीं खाया। चलिए फिर मैं जल्द से जल्द ख़त्म करता हूँ और आप मेरी वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ना करना ना भूलें। शेयर ज़रूर करें और मुझे इंकरेज करें, मैं ताकि आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँ, आपके शहर की भी और दूसरे शहर